इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होगी, जस्टिस साकिब निसार साहब और अदलिया हमारी मोहतरम अदलिया। ये सारे का सारा जो बयान हल्फी है, ये हुआ था ना लाहौर हाईकोर्ट, वो जो जस्टिस आयशा थी उन्होंने बाल कर दिए थे, फिर यहां पर आए, फिर बयान हल्फी जी। तो अब ये सारा का सारा आरओज, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ऊपर जाके ये सारे कागजात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत में है, यानी ये उनके पास है। अब इसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल और ये जितनी चराखियां कर लें, ये सारे के सारे हाँ वहां चले गए जी। और वहां जाने के बाद अब आप देखेंगे क्या तमाशा हुआ है। वहां जाने के बाद इन्होंने, वो कहते हैं ना अपने डेथ वारंट इन्होंने साइन कर दिए हैं सबने, सारी बदमाशियां। अच्छा नीचे खिलाते पिलाते रहते थे ना पहले, यार उसको खिला लिया, थमका दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया, वो सारा घबला घबला करके सारे निकल के हम आगे वो डेथ वारंट पड़े जाके कट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बदमाशिया, अब जरा जहन में रखे कि एक हुकूमत में बैठा हुआ वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसकी सारी वजारतें, सारे अदारे, सारे सब कुछ उसके जो है वो मातहत है, वो अगर एक मिनट में धबड़दूस हो सकते हैं, उनके फिर उनकी पार्टी भी बैठी हुई है, उनके वजीर भी बैठे हुए हैं, चीफ पुकार आओ बका, तो ये बदमाशिया तो अभी आई नहीं है, ये कहां से, ये तो ऐसे पिसेगी सारी, ये तो पिसेगी अभी, वो जो कहते हैं ना वो हल चलेंगे इनके ऊपर।